नमस्कार दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला शामली में सोशल लाइफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था द्वारा एक गौशाला का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिजवान चौधरी ने रिबन काट कर किया। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष रिजवान चौधरी ने बताया कि उनकी संस्था समय समय पर इस तरह के सामाजिक कार्य करती रहती है और यह संस्था 11 राज्यों में समाज सेवा के लिए समर्पित है। वहीं संस्था द्वारा एक प्राइमरी स्कूल और कई बुटीक यानी सराय सेंटरों का भी उद्घाटन किया गया। संस्था का यह मानना है कि बच्चे देश का उज्जवल भविष्य हैं, जिनके लिए उनकी प्राथमिक शिक्षा भी अच्छी और संस्कारी होनी चाहिए। आज जैसे यहाँ शामली में गौशाला का उद्घाटन किया गया है, स्कूल का और कई स्किल सेंटर सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए, ऐसे ही 11 राज्यों में हमारी संस्था काम कर रही है। अनेकों जगह गौशाला, स्किल सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल खोल करके, जैसे अभी कांदले में भी एक स्कूल खोला है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी पहल है। वैसे 11 राज्यों में हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जगह जगह स्कूल कॉलेज और अपने सिलाई कढ़ाई सेंटर खोल करके, गौशाला व अन्य ऐसे ड्रग्स सेंटर व अपना वृद्धाश्रम, ये सब खोल करके हम लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सोशल लाइफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे शौकीन मलिक जी और हाजी फैयाज जी, सराफत राणा जी ने प्रेरित किया और इसके बारे में बताया। सोशल लाइफ सर्विस एक ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, 11 राज्यों में चल रही है और ये एक मतलब सिलाई सेंटर, ब्यूटिशन और स्कूल, गौशाला, मुस्लिम सद्भावना का प्रतीक गौशाला खोल के सबको दे रही है और उसमें काम करने के लिए सबको प्रेरित कर रही है। बहुत अच्छी संस्था है और इसमें अभी भी आज शामली में अनेकों ब्यूटी मतलब सिलाई सेंटरों का उद्घाटन हुआ है और एक गौशाला का उद्घाटन हाजी फैयाज जी के यहाँ हुआ और एक प्राइमरी स्कूल हाजी सराफत प्रधान जी के यहाँ से खोला गया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रिजवान चौधरी जी ने फीता काट कर उद्घाटन किया और सोशल लाइफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी राष्ट्रीय टीम यहाँ मौजूद है और सभी ने बहुत अच्छे तरीके से इनका स्वागत किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन संस्था के उपाध्यक्ष फयाज अली के नेतृत्व में किया गया था। बीसीआर न्यूज के लिए शामली से संवाददाता अनवर की रिपोर्ट।